पहले तहसील चेयरमैन वयूर अली खान साहब हलफ उठाएंगे, भी सारा जवाब उनसे देंगे। तो मैं सबसे पहले तहसील चेयरमैन वयूर अली खान साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अय्यूब अली खान बहैसियत चेयरमैन तहसील पब्लिक सबके दिल से इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान का वफादार रहूँगा और इसके नजरिए और अपने फराइज और जिम्मेदारियाँ की मकामी हुकूमत एक्ट 2013 और उससे जुड़े जितनी कायदे और कवानीन के तहत ईमानदारी और अपनी बेहतरीन इस्तेदाद के मुताबिक आवाम के मफाद में काम करता रहूँगा और ये के खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से तहसील काउंसिल के सरबराह की हैसियत से मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा तहसील काउंसिल की हुकूमत की कार्रवाई में हुकूमत की पॉलिसी के हिसाब के मुताबिक हो और तहसील काउंसिल से मंजूर शुदा मनसूबे के कानून के मुताबिक हो वफाकी और सूबाई कवानीन का वफादार रहूंगा और हुकूमत भी जो भी कानूनी हिदायत देती रहेगी मानूंगा और ये के मैं अपने जाति वफादार को सरकारी उमूर और फैसलों पर नजरअंदाज नहीं होगा ये कि मैं माली नसूजा और मैं अपनी बेहतरीन इस्तेदाद के मुताबिक कौमी दौलत की चोरी भवन और नाजायज इस्तेमाल को रोकूंगा और ये के मैं मकामी हुकूमत और आवाम के मफादात की हिफाजत करूंगा उनके इज्तिमाई फलाह बहबूद के लिए हर मौके से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करूंगा और ये के मैं हर हाल में कानून के मुताबिक लोगों के साथ बिलाफ़ या हिमायत या बदनीयती या बगैर इम्तियाज के इंसाफ करता रहूँगा ये कि मैं बहैसियत मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ और खातिमुन्नबीयीन पर मुकम्मल तौर पर ईमान रखता हूँ अल्लाह हम सब का हामी वनासिर हो
के बाद कौंसिल मेंबरान जिनकी तादाद 79 है, वो तमाम मेंबरान अपनी अपनी नशिस्त पर खड़े होकर ऐसी पर भी सारा द्वार से हलफ देंगे। लिहाजा जो रास्ते में खड़े हैं मेहरबानी करके थोड़ा सा पीछे हो जाए। और ये के बहैसियत चेयरमैन विलेज काउंसिल नेबरहुड काउंसिल और बतौर मेंबर अपने फराइज ये के फौजात को सरकारी काम और दस्तों पर अपने फराइज और ख्वाहिश भी होगी, कोशिश भी होगी और इनके अपने राइट्स हैं और इनके अपने रूल्स रेगुलेशन हैं, इनका अपना फंड है, तो उसी फंड में इनको यानी सबसे पहले के फंड इनके हाथ आए कि वो कौम की खिदमत कर सके। तो हुकूमत को चाहिए कि ये मुंतखब इदारा है और मुंतखब यहाँ पे जितने भी यानी नाजिम समेत जितने भी मेंबरान हैं उनसे लोगों की तवक्कुआत हैं। मैं अपने भाई और बहनों दोनों कौंसलर साहिबान को मुबारकबाद पेश करता हूं और हुकूमत को चाहिए कि इनको फंड दे के ये छोटे मोटे मुश्किलात है उसका हल यानी वो कर सके और खुदा से एक बार फिर दुआ है कि खुदा इनको कौम की खिदमत में कामयाब करे। हम सबको दावत देता हूँ कि जिस पार्टी से भी वो आए हमारे साथ एक किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाए और हम सब भगवान पर मैंडेट लेकर आए। जिस पार्टी से भी इलेक्शन किया पार्टियाँ कोई पीछे रह गई पार्टियों से बाल अंतर होते हम सब इन शाला हम की उम्मीद भी इन शाला। Thank you.